हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप भी हॉजेट एप्लीकेशन में टीम लगाते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि हॉजेट एप्लीकेशन में जो है ODI मैच होता है, ODI मैच में जो हॉजेट एप्लीकेशन का पॉइंट सिस्टम किस तरह से है, इसमें बैटिंग पॉइंट्स, बॉलिंग पॉइंट्स, फील्डिंग पॉइंट्स क्या क्या है, एक रन मारने पर कितना आपको पॉइंट्स दिया जाता है, चौका मारने पर कितना पॉइंट्स दिया जाता है, छक्का मारने पर कितना पॉइंट्स दिया जाता है, विकेट लेने पर कितना पॉइंट्स दिया जाता है, कैच लेने के बाद कितना पॉइंट्स आपको दिया जाता है हॉजेट एप्लीकेशन में, वो भी ODI मैच होता है उसमें। तो सिंपली यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बैटिंग पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पे बैटिंग पॉइंट्स में आप यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरी रन स्कोर, यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्येक रन में आपको एक पॉइंट्स दिया जाएगा। एवरी बाउंड्री हिट, अगर एक चौका लगेगा तो यहाँ पे एक पॉइंट्स दिया जाएगा, यानी कि चौका मारने का आपको चार पॉइंट्स हो गया और एक रन ऐसे हो गया तो यानी कि आपको पाँच पॉइंट्स मिलेगा। सिक्स मारने पर आपको टोटल आठ पॉइंट्स मिलेगा। हाफ सेंचुरी अगर कोई मारता है तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल इनिंग में, तो यहाँ पे कोई प्लेयर जो है हाफ सेंचुरी मारता है तो हाफ सेंचुरी मारने के बाद आपको चार प्लस पॉइंट्स और जुट जाएगा। सेंचुरी मारने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेंचुरी मारने के बाद जितना भी पॉइंट्स आपका बनता है उसमें आठ पॉइंट्स और जुट जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे स्ट्राइक रेट पॉइंट्स दिया गया है, 20 बॉल को कम से कम फेस करना होगा उसके बाद ये स्ट्राइक रेट जो पॉइंट्स है वो जुटेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर 20 बॉल के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगर उसका स्ट्राइक रेट जो है 140 का रहा तो यहाँ पे आपको 6 पॉइंट्स दिया जाएगा। अगर किसी प्लेयर का स्ट्राइक रेट 120.01 से लेकर 140 रन रहेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार पॉइंट्स आपको मिलेगा। 100 से लेकर 120 रन रहेगा तो यहाँ पे दो पॉइंट्स आपको दिया जाएगा। 40 से 50 के बीच में अगर स्ट्राइक रेट रहेगा तो माइनस दो पॉइंट्स मिलेगा। 30 से लेकर 39.99 के बीच में रहेगा तो माइनस चार पॉइंट्स, 30 के नीचे अगर स्ट्राइक रेट रहा तो माइनस छः पॉइंट्स मिलेगा। इस तरह से हो गया बैटिंग पॉइंट्स के बारे में। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ बॉलिंग पॉइंट्स के बारे में। तो बॉलिंग पॉइंट्स देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से दिया गया है। अगर कोई बॉलर विकेट लेता है तो यहाँ पे देख सकते हैं रन आउट को छोड़कर यहाँ पे दिखाया गया है, अगर कोई बॉलर जो है विकेट लेता है तो विकेट लेने का आपको जो है 25 पॉइंट्स दिया जाएगा। अगर वो बॉलर जो विकेट लेता है आपके टीम में है तो तभी आपको जो है 25 पॉइंट्स मिलेगा। LBW या बोल्ड करता है तो आपको 8 जो पॉइंट्स है वो बोनस के रूप में मिलेगा, यानी कि टोटल जो पॉइंट्स है आपको जो 25 और 8 33 पॉइंट्स मिलेगा अगर LBW या बोल्ड आउट हो जाता है। तो यहाँ पे एवरी कैच या बोल्ड यहाँ पे देख सकते हैं बोल्ड यहाँ पे आपको 33 पॉइंट्स मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरी मेडन ओवर बोल्ड यहाँ पे आपको 4 प्लस पॉइंट्स मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक बॉलर अगर 4 विकेट लेता है तो 4 विकेट लेने के बाद जितना भी पॉइंट्स बनता है तो यहाँ पे आपको 4 प्लस पॉइंट्स और मिल जाएगा। उसी तरह से 5 विकेट अगर कोई एक बॉलर लेता है तो 5 विकेट लेने के बाद जितना भी पॉइंट्स बनेगा उसमें 8 प्लस पॉइंट्स और जुट जाएगा। और यहाँ पे आप देखते हैं 4 एवरी सिंगल डॉट बॉल को यहाँ पे एक पॉइंट्स दिया जाता है। और यहाँ पे आप देखते हैं इकोनॉमिक रेट पॉइंट्स है, मिनिमम ओवर जो रहना चाहिए यहाँ पे देख सकते हैं 5 दिखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर कोई बॉलर का 2.5 रन पर ओवर रहता है तो आपको 6 पॉइंट्स दिया जाएगा। 2.5 से लेकर 3.49 रन पर ओवर देता है तो आपको 4 पॉइंट्स मिलेगा। 3.5 से लेकर 4.5 रन पर ओवर देता है तो 8 पॉइंट्स मिलेगा। 7 से लेकर 8 रन पर ओवर देता है अगर तो माइनस दो पॉइंट्स आपको मिलेगा। 8.01 से लेकर 9 रन पर ओवर देता है तो माइनस चार पॉइंट्स, अगर 9 रन से ऊपर देता है तो माइनस 6 पॉइंट्स आपको मिलेगा। तो इस तरह से देख लिए बॉलिंग पॉइंट्स। और फील्डिंग पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से फील्डिंग पॉइंट्स दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैच का जो है 8 पॉइंट्स दिया जाता है, स्टंपिंग या रन आउट जो होता है डायरेक्ट करके तो यहाँ पे 12 पॉइंट्स दिया जाएगा। स्टंपिंग का 12 भी पॉइंट्स दिया जाएगा, रन आउट का भी 12 पॉइंट्स दिया जाएगा। रन आउट जो होता है नॉट ए डायरेक्ट हिट होता है, यानी कि दो प्लेयर मिलकर करता है, तो देख सकते हैं कि थ्रोअर कैचर यहाँ पे मिला गया तो यहाँ पे 6-6 पॉइंट्स दिया जाएगा। और यहाँ पे 3 कैच अगर लेता है कोई बॉलर एक ही मैच में तो आपको 4 प्लस पॉइंट जो है बोनस के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फील्डिंग पॉइंट्स। अब यहाँ पे कुछ अदर पॉइंट्स दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आपका जो टीम है जब टीम बना लेंगे उसके बाद मैच जो स्टार्ट हो जाता है उसके बाद शुरू में आपको 4-4 पॉइंट्स दिया जाएगा।
कैप्टन का 2x, वाइस कैप्टन का 1.5x, यानी कैप्टन का जो जिस भी प्लेयर को आप कैप्टन बनाएंगे उसका जितना भी पॉइंट्स बनेगा उसका दोगुना मिलेगा और वाइस कैप्टन का डेढ़ गुना मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से देख सकते हैं हाउजेट में इस तरह से ODI में जो है पॉइंट सिस्टम दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।